यस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है कि हमारे फैंस हमारे इस शो को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे एज कनक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिविंग माय बेस्ट टू दिस शो. देखिए, शुरुआत से कनक उमा शंकर से बहुत नफरत करती थी, बट एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है जिससे कनक उमा शंकर की अच्छाइयों की तरफ देखने लगेंगी. सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच कि कितनी आज की अर्बन लड़की एक बहुत ही पुरानी सोच रखने वाले इंसान के प्यार में पड़ जाती. दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच. बिल्कुल, बिकॉज आजकल जो सिटीज़ में जो रहते हैं हम लड़कियां, हमारी एक्सपेक्टेशंस यूजुअली हमारे टाइप की ही एक पार्टनर्स के हिसाब से होती हैं. बट हमारी जो लव स्टोरी है कनक और उमा शंकर की, उसमें उमा शंकर गांव का लड़का है, लेकिन वो बहुत ही दिल का बहुत अच्छा है और बहुत पोजेसिव है, एंड ही इज़ अ वेरी ही इज़ एन आइडियल हस्बैंड. सो दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर अ गर्ल यू नो टू वॉच इन द शो. बहुत इन्जॉय करने वाले, क्योंकि हमारी जो लव स्टोरी है उसमें काफ़ी सारा रोमांस है, काफ़ी सारे सेंशुअल मोमेंट्स है. सो इट विल बी अ वेरी नाइस, इट विल बी अ वेरी एंटरटेनिंग थिंग टू वॉच. व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी कि आपको मेरे आने वाला जो हमारा ट्रैक है कैसा लग रहा है और हमारी केमिस्ट्री कैसी लग रही है. इतना ही प्यार देते रहिए और ज़्यादा प्यार देते रहिए ताकि हम और आगे बढ़े और आपको और एंटरटेन करते रहें.